सिलगुडेश्वर माइंस में संचालित क्रेशर प्लांट में काम कर रहे मजदूर को रिटायर का नोटिस देकर 2022 में कुमार कार्गो का रिटायर किया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक नहीं किया गया हिसाब। लगभग 40 साल खपाया था अपना जीवन सेल के काम में और अपनी खून पसीने की कमाई पाने के लिए बेबस मजदूर साल भर से सेल और कुमार कार्गो का चक्कर काट रहे हैं। कटनी से राजेश केवट की रिपोर्ट। सेल कुटेश्वर माइंस के मजदूर दर दर ठोकर खाने को है मजबूर। अपने खून पसीने की कमाई पाने के लिए है ललाहित। हमारे साथ हम आज ऐसे शख्स के बात करेंगे जो अपनी सारी उम्र सेल में काम करते करते खपा दी। नमस्कार, मैं हूँ राजेश केवट, आप देख रहे ग्लोबल इंडिया टीवी। एक हमारे साथ ऐसे शख्सियत है जो लगातार 40 वर्ष से सेल में काम करते करते आज कुमार कार्गो ने एक साल पूर्व में रिटायरमेंट की नोटिस दे दी। हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या मामला है। वैसे क्या नाम है? मेरा नाम है होशियार सिंह जी। कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम भुंडरावटा से हूँ। कोई है जी, कुटेश्वर लाइन में काम करता हूँ जी, और सन 82 से काम कर रहा हूँ मैं जी। है 82 से लक्षण में किया, फिर एड्डी में आया, कुछ ऐसे हुआ। आप सेल में काम कर रहे थे, कब ज्वाइनिंग की थी सेल में आप? सेल में 1982 से, जो सब जब फिर मेरा रिकार्ड बना हुआ है तभी से मान हुआ मैं जी। फिर उसके बाद रेड्डी में आया, रेड्डी के बाद अग्नि में आया, अग्नि के बाद एसएस में आया, एसएस में आने के बाद कुमार कार्गो में आया। डेढ़ साल मेरे को कुमार कार्गो में रखा गया। फिर कोई कागज एक नोटिस गए जो मैं पढ़ा दिखा तो नहीं हूँ, वो नोटिस दे को मेरे को रिटायरमेंट कर दिए, और आज तक मेरे को कोई हिसाब किताब नहीं हुई। कई बार शहर के चक्कर भी मैं काटा, प्रबंधक को भी दिया, वहाँ कोई सुनाई नहीं कि हो जाएगा। जैसे कि कुमार कार्गो ने आपको नोटिस दिया, उस नोटिस में जैसे कुमार कार्गो ने आपको नोटिस किया, उस नोटिस के दौरान आपको रिटायरमेंट किया, तो रिटायरमेंट में जैसे देखा जाए तो आपको क्या ग्रेजुटी पीएफ और जो आपके एरिया मेडिकल बोनस बनता वो सब आपका हिसाब किताब किया गया? आज नहीं किया गया है, सब ऐसे थोड़ा बहुत नॉर्मल कर दिया, काम ही रखता, न कोई पीएफ का पता, न कोई प्रबंधक से किया। मेरा बहुत यहाँ से भोपाल तक सब मैं किया सब पूरा। क्या बोले डीएम साहब? डीएम साहब बोले कहें भाई वो हमारे पास किराए, वो तो कंडक्ट का मामला है, शहर के आदमी नहीं हुआ, शहर के आदमी नहीं, शहर के आदमी कर्मचारी होते हमारे, जो आप काम हिसाब करते हो कंडक्ट की बात है, कॉन्ट्रेक्टर ऐसा कंडक्टर को बोल दिए भाई तुम हिसाब करो तुम्हारा वर्क करे। तो कंडक्टर ने क्या बोला आपको? कंडक्टर बोला कि भाई होगा धीरे धीरे हिसाब होगा, अभी ना होगा हिसाब हिसाब। अभी 6 साल अभी मेरे सर्विस दी थी उसने भी धोखे से मेरे को। कब आपको रिटायरमेंट कर दिए? 2022 में। 2022 से आज 2023 लगातार एक साल से ज्यादा हो रहा है, अभी तब से लेकर आज तक आपका हिसाब किताब नहीं हुआ? नहीं मिला अभी आज तक हिसाब, कुछ नहीं किया था। चक्कर काटते आ रहे? चक्कर काटते शहर में जाता हूँ, अब शहर में कई दफे चक्कर काटते काटते मेरे को पैसा अब होगा, मैं चुप कर घर में बैठ गया। क्या कौन सी माइंस में आपका काम कर रहे थे? पहले था पावर में, पावर के बाद रेड्डी में आया, रेड्डी के बाद अभिनव, अभिनव के बाद और सब होगा। पर गरीब आदमी कहाँ भाई, पैसा नहीं चाहिए दौड़ने के लिए, और यहाँ भी चक्कर लगा है, कोई अभी मामला करता है वहाँ भी अधिकारी, वो पर्सनल भी अधिकारी गए, कहीं हो जाएगा उनका भी रिटायरमेंट होगा, चले गए वो 36 साल से चले गए, हमारा जो कितो हिसाब किताब पड़ा कोई काम होने वाला। आप जैसे ऐसे कितने मजदूर होंगे? अरे सारे मजदूर हैं। लगभग लगभग क्या कहा है, कितने होंगे? अरे करीब करीब न होंगे तो 200-400 आदमी का ऐसा घपला है, कोई मर गया, कोई रिटायर होगा, कोई इसका हिसाब नहीं है। इसलिए मैं प्रबंधक को कहना चाहता हूँ ये सारा मजदूर का हिसाब आप करिए, बुला बुला सब आपके पास रिकॉर्ड है, सब उसको प्रक्रिया करिए, कोई मर गया है तो उसके भी जो कोई होगा, इसलिए मैं ये फैसले रिपोर्ट करूँगा प्रबंधक, ठीक है, और लेबर कमीशन आर एस सी जबल से रिक्वेस्ट करूँगा इसकी आप तत्काल जानकारी दिया जाए। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा जायज हिसाब किताब होना चाहिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ भटके के आज नमक खाने की पैसा नहीं है,
कहाँ हम जाएंगे, कटली जाने के लिए हमको कहाँ जाएंगे। तो हमारा रिक्वेस्ट है अरे प्रबंधक से कि वो चाहे जहाँ भी हमारा हिसाब किताब बनकर ढक के करवा, हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ भटकते रहेंगे घर घर के धोकर। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है प्रबंधक से कि हमारा हिसाब किताब सही, हमारे वर्करों को सही हिसाब मिलना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम है होशियार सिंह। तो ये थे हमारे साथ होशियार सिंह जो पावर कंपनी के एम्प्लॉय थे और आज उन्हें कहा गया कि एक वर्ष पूर्व 2022 में कुमार कार्लो के द्वारा रिटायरमेंट कर दिया गया, लेकिन आज दिनांक तक एक साल बीत जाने के बाद भी उन्हें हिसाब किताब नहीं किया गया, ना ही उन्हें ग्रेजुटी दी गई, ना ही एटीएस बोनस मेडिकल छुट्टी जो भी बनता है इनका किसी प्रकार का हिसाब किताब नहीं किया गया। लगातार ठेकेदार और सेल मजदूरों के साथ शोषण करते चली आ रही है। ग्लोबल इन टीवी के लिए कट्टी से संवाददाता राजेश केवट।